हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। इस सेशन में हम देखेंगे एरर्स और कट टू कट बात करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर से रिलेटेड है, आओ इसे समझते हैं। लॉजिक भी बताऊंगा, तो इसे ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे लव्ड their self so much that they thought of no one else। तो यह है फर्स्ट पार्ट। मच के बाद है एक और स्लैश, फिर थॉट के बाद, और फिर एल्स में। तो ए बी सी टी या 1 2 3 4, और लास्ट में जो आएगा ये आएगा नो एरर। किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझो। इसमें एरर है देयर सेल्व्स में। ये देयर सेल्व्स नहीं होगा या देयर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर हमें themselves लिखना है। क्यों ऐसा होगा इसको समझो। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है they, तो इसमें जब हम self लगाते हैं तो इसका फॉर्म themselves बनता है। पढ़ा होगा तुमने, तो यहाँ themselves करेक्ट है, their self कोई वर्ड नहीं होता है। और चूंकि they प्लूरल है, इसीलिए इसका फॉर्म भी हमें प्लूरल में दिखेगा। यहाँ इसको ऐसा समझो, सेल्फ और सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्व्स, जिसमें एफ वी में बदल जाता है और हम अपनी तरफ से ई एस ऐड करते हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो दे प्लूरल है, इसलिए इसका प्लूरल में ही फॉर्म हम देम सेल्व्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Sherlyn liked the diamond herself, but not the सेटिंग। और अंत में आएगा नो एरर। आखिर इसमें एरर कहाँ है और क्या है, तो गौर करो। यहाँ शर्लिन लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर शी भी सोच सकते हो कि क्वेश्चन में अगर शी लिखा होता तो शी के लिए सेल्फ लगाकर जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो बनता है हर सेल्फ। तो ये हर सेल्व्स तो बनेगा ही नहीं जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, और यहीं पर एरर है। क्यों नहीं हम हर सेल्व्स लिख सकते हैं, और हर सेल्फ क्यों करेक्ट है? क्योंकि नाम चाहे शी हो या नाम के तौर पर, यानी सब्जेक्ट के तौर पर चाहे शर्लिन हो, शी नाम तो नहीं है, प्रोनाउन है कहने का अर्थ है, तो दोनों ही सिंगुलर है। और सिंगुलर का फॉर्म हम सेल्फ में देखते हैं, क्योंकि सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्व्स। एफ को हमने वी में बदला और हमने एक्स्ट्रा ई एस अपनी तरफ से ऐड किया, जो पिछले लॉजिक में आपने देखा, और यह है प्लूरल फॉर्म। तो शी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वाला ही फॉर्म लगाएंगे, इसीलिए शी का हर सेल्फ होगा या शर्लिन का हर सेल्फ होगा। तो हमें हर सेल्फ्स को कट करके हर सेल्फ लिखना है, यही इसमें एरर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट
itself cannot stand. मैं अभी इसकी हिंदी मीनिंग जानकर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आसान है, लेकिन आप बिना हिंदी के कैसे समझेंगे, मैं इस अप्रोच को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्सेल्फ आया, यानी किसी न किसी सिंगुलर के लिए आया होगा, क्योंकि इट किसी सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म तो हम देखेंगे ही नहीं, यानी एरर तो यहीं पर है। आँख मूंद कर भी अगर हम इसे लिखें ना तो सही लिख सकेंगे, इट्सेल्फ होगा। और ये इट्सेल्फ आया किसके लिए है, तो अ हाउस जैसे नाउन के लिए आया है, और अ हाउस यहाँ पर सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर सेल्फ लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम प्लूरल सेल्व्स नहीं लिखते हैं। तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्सेल्फ होता है, ना कि इट्सेल्व्स होता है। आई थिंक दिस सेशन इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, तो आप सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे। देखिए नया क्वेश्चन। सम पीपल आर ऑलवेज, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। Try to understand this. This one is again very easy. हम them self देख रहे हैं, तो them एक plural word है, तो plural के साथ हम self का भी plural लगाएंगे, जो कि f v में बदल जाएगा और es हम add करेंगे। यही तो गलती थी, आसान है। तो them self का हम themselves लिखेंगे, इसमें error यही था। अब आप अगर और logic जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो गौर कीजिए। ये पीपल वर्ड प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए ही हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स ला रहे हैं। तो जब नाउन हमारा प्लूरल है तो इसके लिए हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा, यही एरर था इसमें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। आई होप दैट you are both, और हड़बड़ी मत करना, चीज़ों को तरीके से सीखो और समय लगता है सीखने में, जब सीख जाओगे तो फिर खुद ब खुद अच्छा लगेगा और फास्ट भी हो जाओगे। Myself, what is the error in this sentence? I hope that you are both looking after myself. तो यहाँ पर I hope that you are both looking after myself लिखा है हमने, जबकि इसमें एरर है। क्या आप पता कर सकते हैं कि इसमें आखिर एरर है क्या? वेरी गुड। हमने देखा यहाँ आई लिखा है और आई के लिए हमने myself लगा दिया। myself तो अब करेक्ट है, myself होता भी नहीं है, लेकिन आई के मुताबिक यहाँ myself नहीं होगा, यू के मुताबिक होगा। क्यों? आई होप दैट, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, यू आर बोथ, कि आप दोनों लुकिंग आफ्टर, चिंता करते हो, देख रेख करते हो, आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे की देख रेख करते हो, तो एक दूसरे की देख रेख करते हो, तो यू के मुताबिक हमें यहाँ योर सेल्व्स लिखना होगा। कितना अच्छा सवाल है। तो समटाइम्स हमें मीनिंग भी समझनी है, और अगर मान ली कि मीनिंग नहीं समझते हैं फिर इसको कैसे बनाते, फिर भी आसान था। अगर मान लो कि आई होप दैट नहीं होता, तो यू था लिखा हुआ, ऐसा सवाल होता फिर, तो यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर योर सेल्व्स, कि तुम दोनों एक दूसरे की देख रेख करते हो, परवाह करते हो, आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हो। इतना तो आसान है, अंडरस्टूड? So I think it's very easy for everybody. Question number 6th, देखते हैं ध्यान से।
वी वेंट टू जर्मनी एंड एंजॉयड आवर सेल्फ यहीं पर देख लो, आवर तो प्लूरल होता है, इसके साथ सेल्फ कैसा लगाएंगे, तो आवर लिखेंगे और इसके साथ एफ को वी बनाएंगे, ई एस ऐड करेंगे, आवर सेल्फ होगा यहाँ पर, यहाँ एरर है, ये करेक्ट है क्योंकि वी का फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर आवर देखते हैं हम सब, तो वी जब प्लूरल है तो आवर भी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम सेल्फ का जो प्लूरल वाला फॉर्म है दैट इज सेल्फ्स वही लिखेंगे। सो दिस इज अ सिंपल एरर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड, ही दैट wrongs his friend wrongs his self more, इतना ही है। एरर कहां पर है, तो एरर या हिज सेल्फ में, हिज सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है, और ध्यान रहे हिमसेल्फ होता है, हिमसेल्फ्स भी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिम एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वाला फॉर्म हम कभी नहीं लिखते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग वन। ओके, और हिम के साथ सेल्फ होगा क्योंकि हिम भी सिंगुलर, सेल्फ भी सिंगुलर, बस इतना सा एरर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8th देखेंगे, Whosoever shall exalt himself shall be abased। अंत में तो नो एरर ऑप्शन आता ही है आपके SSC या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन में, जैसे NDA, SSC, CTS, KVS वगैरह के एग्जामिनेशन में आप बहुत मदद पाएंगे इस तरह के सेशन से। बताइए इसमें एरर क्या है। यस, वेरी गुड, आपने देखा यहाँ पर हिमसेल्फ लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात है, अभी जस्ट हमने देखा कि हिम एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ सेल्फ का भी सिंगुलर फॉर्म ही आएगा, सेल्व्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं, यू शुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अवेल ऑफ द ऑपर्चुनिटी, और इसे अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी इसी तरह स्टाइल में पढ़ेंगे, ध्यान से समझो इसे। यू शुड अवेल, अवेल वर्ड ऐसा है, ये क्या है, वर्ब है, क्यों वर्ब है और कैसा वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि शुड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, और कैसा वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि शुड के बाद यानी मॉडल वर्ब के बाद V1 ही आता है, तो अवेल एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते ही लिखते हैं। अवेल ऑफ का अर्थ होता है खुद को किसी चीज़ को उपलब्ध कराना, तो जैसे यू शुड अवेल ऑफ द ऑपर्चुनिटी, मतलब तुम्हें अवसर को स्वयं को प्राप्त कराना चाहिए, तो अवसर जो पाएगा वो कौन है, तुम खुद हो, यानी यू के लिए कहा गया है, तो यू हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल प्रोनाउन है, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ऐसा रूल है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद
हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते ही हैं, उसमें से एक वर्ब है अवेल, क्योंकि प्राप्त कराएंगे तो खुद को हम प्राप्त कराएंगे। कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपको दूंगा। तो पहले यू का आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, दैट इज योरसेल्फ या योरसेल्फ्स। अगर यू मतलब आप किसी एक इंसान को समझते हैं तो योरसेल्फ लिखेंगे, करेक्ट है। और यू से अगर आप रेफरेंस एक से ज़्यादा लोगों को, यानी दो, तीन, चार लोगों को, पांच लोगों को या इससे ज़्यादा, इन्हें अगर रेफरेंस देते हैं तो आप योरसेल्फ लिखेंगे, दोनों ही करेक्ट है। एग्जांपल समझो अब, जैसे एग्जांपल कुछ ऐसा आ सकता है कि आई अवेल्ड, अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए तो किसके मुताबिक, इस सब्जेक्ट के मुताबिक, और आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आता है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द चांस, कि मैंने स्वयं को अवसर दिया, यानी मैंने स्वयं को अवसर उपलब्ध कराया, ये अर्थ है इसका, उपलब्ध कराना होता है इसका अर्थ। हाँ, हमने वी टू में कहा है, पास्ट में कहा है, बस फर्क इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द सक्सेस दैट शी हैड बीन awaited for a long time, कि उसने स्वयं को सफलता उपलब्ध कराई, स्वयं को, तो यही स्वयं को अर्थ देने के लिए हम लोग herself, himself, myself लिखते हैं, avail जैसे verb के केस में। अब समझ में आ गई बात? तो she availed herself, उसने स्वयं को उपलब्ध कराया of the success that she had been awaited for a long time, जो कि वह बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रही थी। अब तीन बातें सब बड़े ध्यान सब समझिए। एक तो ये कि हम availed को एक reflexive pronoun लगाते हैं, और avail verb को of जैसा preposition लगता है। अब देखो, यहाँ अवेट वर्ड लिखा है, अवेट के बाद फॉर हम नहीं लगाते, तो ये मत समझना कि ये फॉर इस अवेट के लिए आया हुआ है, नहीं। आप बोलते हो वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वेट फॉर को हटाकर आप अवेट लिख सकते हो डायरेक्ट, और अवेट को फॉर नहीं लगता, तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। जैसे आई अवेटेड हिम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आई वेटेड, ए हटा दिया हमने इस बार, वेट लिखोगे तो फॉर लिखना होगा, आई वेटेड फॉर हिम। तो यहाँ पर वी टू था तो हमने भी वी टू रखा, तो अवेटेड इज इक्वल टू वेटेड फॉर, तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। तो ये फॉर किसके लिए आया है? इस लंबे समय को बताने के लिए आया है। जैसे आप had been ऐसा लिखते हो, है ना। अब इसमें एरर मैंने क्या दिया आपके लिए जानकर, एक तो ये जानकारी दी हमने कि she had been awaited, अब एरर यहाँ पर क्या है, एक टेंस से रिलेटेड मैंने आपके लिए एरर छोड़ा है, ध्यान से देखना। she had been मैंने लिखा है, तो had हो गया have form, been हो गया third form, तो यहाँ v4 होगा ना, तब तो ऐसा हो गया इसका अर्थ, अगर मैं awaited यहाँ लिखूँ तो जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, गलत, सफलता का इंतज़ार तो शी यानी वह खुद कर रही थी, तो सफलता का इंतज़ार उसके द्वारा किया जा रहा था या वह कर रही थी, तो हम अवेटेड नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर हम अवेटिंग लिखेंगे, है ना मज़ेदार। तो यहाँ पर हम अवेटिंग लिखेंगे, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, फिर से वीडियो सुन लो, ध्यान से समझ में बातें आ जाएंगी। इतना एरर था,
तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही मैंने अभी जानकर लिख दिया आपके लिए, अचानक बना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, शी बॉट, शी बॉट एप्पल्स फॉर आर्यन एंड myself। गौर से समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर सोचो क्या आना चाहिए। वेरी गुड, यहां पर myself नहीं होगा। आपने अगर मेडिटेट किया हो अभी थोड़ी देर, तो शी बॉट एप्पल्स फॉर आर्यन, उसने आर्यन के लिए सेब खरीदे। आप भूल जाओ कि यहां पर आर्यन है, सपोज नहीं है, तो क्या कहोगे आप? शी बॉट एप्पल्स फॉर माई सेल्फ कहोगे या शी बॉट एप्पल्स फॉर मी कहोगे? यस, आपके लिए खरीदा यानी मेरे लिए खरीदा, तो माई सेल्फ नहीं बल्कि मी होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखते हैं, कर्म कारक का रूप लिखते हैं प्रोनाउन का। तो शी बॉट एप्पल्स फॉर मी बोलेंगे, ना कि शी बॉट एप्पल्स फॉर माई सेल्फ। हाँ, अगर उसने खुद के लिए ही सेब खरीदे तो कह सकते थे शी बॉट एप्पल्स फॉर हर सेल्फ। क्या ये ठीक था? आप और छोड़ता हूँ, नीचे आप कमेंट्स करके बताएंगे, मैं किसी अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। थैंक यू सो मच। जय भारत।